अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके जी, टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 7, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वंस। वंस मीन्स वन डिजिट, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखें, 9 तक वन ही डिजिट सॉल्वेट होते हैं। जब 10 होता है तो डीज आर टू डिजिट्स, तो ये वंस और टेंस में आ जाते हैं। अभी सिंगल है तो ये वंस में आते हैं, ठीक है। देखें, व्हेन राइटिंग लार्ज नंबर्स वी नीड अ प्लेस फॉर वंस एंड अ प्लेस फॉर टेंस। दिस कैन बी शोन ऑन इन अबैकस। अबैकस है ये, ठीक है। वी हैव नो बीड्स हियर ऑन द वंस रॉड, देयर आर जीरो बीड्स। देखें, ऐसे होता है ना, वंस और टेंस। अभी ये सिर्फ बीड्स वंस में, ठीक है। तो वन डिजिट जो होती है वो वंस पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ वी ऐड वन बीड ऑन अ वंस रॉड वी गेट वन बीड। अगर एक और ऐड करेंगे तो टू बीड्स हो जाएंगे। ये वंस की आपको उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें, अब ये उन्होंने आपको जस्ट बताया हुआ कि दिस ट्रिप हैज 10 बंटीज, दिस इज वन बंटी, दिस आर थ्री सिंगल चॉकलेट और थ्री वंस हैं। दिस स्लैब हैज 10 पीसेज ऑफ चॉकलेट, 10 पीसेज ऑफ चॉकलेट्स हैं। ये 5 वंस हैं, ये 2 वंस हैं, ये 10 क्रेयॉन्स हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक्टिविटी आ जाती है, जीरो एज प्लेस वैल्यू। जीरो एज प्लेस वैल्यू, सम ऑफ द इलस्ट्रेशन बिलो आर इन सेट्स ऑफ टेंस, सम आर इन द सेट्स ऑफ वन, पुट ईच इन ईदर द टेंस बॉक्स और इन द वंस बॉक्स। लुक एट दिस एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये टेंस में, तो टेंथ वाली आपने यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, सॉरी यहाँ पे आपने वो डालनी है। और जो वंस में है, या डबल डिजिट होते हैं ना वंस टेंस में, और वंस में सिंगल डिजिट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 इज अ सिंगल डिजिट, टेंस नहीं आई है तो ये वंस में डालेंगे। अब ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये ऐसे करके आपने टेंस में डालने हैं। इसी तरह जो वंस वाले हैं वो वंस में, और जो टेंस वाले हैं वो टेंस में डालने हैं आपने। Look at the page number 10. अब यहाँ पे tens वाला आ गया, ठीक है। Remember, each rod in the abacus can hold 9 beads. The orange rod is for orange beads. The blue rod is for blue beads. आपने ये देख लिए। In this exercise, we are using orange beads and blue beads. 10 orange beads is equal to 1 blue beads. यहाँ पे हाउ मेनी ऑरेंज बीड्स ऑन द वन रॉड, यहाँ पे ऑरेंज रॉड पे कोई भी बीड है नहीं है, तो यहाँ पे आपने जीरो लिखना है। ये काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। उसी तरह हाउ मेनी ऑरेंज बीड्स ऑन द वंस रॉड, वंस रॉड में कितने बीड्स है, वन, तो आपने वन यहाँ लिखना है। फिर ये पूछते जा रहे हैं आपसे, आपने ऐसे एक्सरसाइज करनी है। टेंस में ऐसे आ जाएगा वंस टेंस। अब यहाँ पे वंस टेंस है, वंस में कुछ भी नहीं है, जीरो। टेंस में क्या है, वन डिजिट आ गया, मीन्स के 10, तो ये 10 हो गया, ठीक है। देखें, नोटिस दैट देर इज वन बीड ऑन द टेंस रॉड एंड जीरो बीड ऑन द वंस रॉड। दिस शोन दैट वी हैव वन सेट ऑफ 10 बीड्स एंड वी राइट इट लाइक दिस। इस तरह हम लिखेंगे वंस और टेंस, वन और जीरो, क्योंकि वंस में जीरो है और टेंस में वन है, तो 1, 0, 10, ठीक है। अब देखें, इसी तरह जब यहाँ वंस में कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो जीरो आ जाएगा। टेंस में जो जो बढ़ती जाएंगी तो 20, 30, 40, 50 इस तरह आते जाएंगे, ठीक है। और ये कल एक्सरसाइज हम करेंगे नंबरिंग, ठीक है। ये आपको वंस और टेन का कॉन्सेप्ट था, और ये आपने कॉपी पे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। एक्टिविटी है आपकी, ये करनी है, और ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।